मैंनू कह रही हूँ एक आधा कमरा किराए पर ठा दो, खाली तो पड़े हैं ये, किसी से पूछ लेते को किराएदार भेज दे हमारे घर को। वो मन्ने हर प्रकाश से कह रखी, तो वो नू कह रहा था अगनू को मन्ने किसी से बात कर रखी, और मुझे लगा शायद आज भी देखना आते हो कमरा। ठा दो एक आधा कमरा किराए पर, अपने चार पैसे बन जाएंगे। हाँ और क्या करेंगे इनका खाली का, हम तो एक कमरे में रह ले। हाँ सोच तो मैं भी नहीं रहा, दो पैसे आऊंगा तो घर के खर्चे में काम चलेगा कम से कम। मम्मी ये क्या बात कर रहे हो आप दोनों कमरा किराए पे देने की, हम इतने भूखे मरे जा रहे हैं जो कमरा किराए पे दोगे, पता नहीं किराएदार कैसे आए कैसे नहीं। अरे ऐसे कैसे को रख लेंगे, अच्छे होंगे, साफ सुथरे होंगे, संस्कारी होंगे, नॉन वेज ना खाते होंगे, उन्हें रखेंगे। पापा मम्मी कैसी बात करती है, आपको तो पता ही है आज की डेट में सब नॉन वेज खाते हैं, दारू पीते हैं, और हम इतने साफ सुथरे इंसान, हम कैसे दे दे अपना कमरा किराए पे। बेटा ऐसे ना देने के, पहले उनसे बातचीत करेंगे। मम्मी तुम्हें ना पता कुछ भी, आजकल का माहौल कितना खराब चल रहा है पापा। ऐसा है बेटा, तेरी मम्मी ठीक कह रही, जब आवेंगे ना हम उनसे सारी बात कहेंगे। हाँ। और उसके बाद देंगे, कोई ऐसा थोड़ी कमरा किराए पे दे दिया जा किसी को। आईडी जमा करवाऊंगे उनकी। हाँ। और आपको पता ही है हम दो बहन तो रह गई है, तुम भी इधर उधर काम से चले जाओ और माँ पड़ जावे अंदर सोने, अब क्या किसी को दोगे तो देख बरत के दियो। तू टेंशन मत ले, तेरी माँ इतनी बावली ना है, इंसान को एक नजर में पहचान दे इंसान कैसा है, मुझे वैसी मान रही है, देख के देवेंगे हम किसी को कमरा। तू चिंता मत मानना बेटी, जिसे मन ने कह रखी ना उसे मन ने बता दी थी, भाई हमारे दो दो लौंडिया हैं, मगर जो भी किराएदार को भेजेगा बढ़िया से को भेजिए। हाँ फिर तो ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है हमारी छोटी कैसी है, वो तो कपड़े वपड़े भी मॉडल पहरा है, मैं तो फिर भी लिमिट में रहती हूँ। अरे तुम जैसे मर्जी वैसे पहरो, किसी को डर पड़ रहा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, आने दे उन्हें देखे। चलो चाय लाऊं पापा आपके लिए? लिया बेटा हो तो पी लेंगे दो दो घूंट। ठीक है मम्मी लेके आ। छोरी पहले डर रही है, यो हमारी दिव्या संस्कारी है ना, यो इसलिए डर रही कि कोई पीने खाने वाला ना आ जा। अरे दो पैसे हमारे घर में आ जाएंगे, इसे नहीं पता कि दो पैसे हमारे घर में आ जाएंगे तो हमारे काम आओगे, हमारे खर्चे में काम आवे। क्या तो तुम ठीक रहे हो, डर तो नहीं रही है यो, पर कोई बात नहीं, हम बैठे ना अभी, हमें इंसान की परखने की बहुत ज्यादा क्षमता है, हम देख लेंगे कैसे इंसान है। ठीक है उनकी आईडी जमा करवाऊंगे, पहले देखेंगे उन्हें कहाँ से आए हैं, वे कैसे व्यवहार है, कहाँ से खाली करके आए कमरा, वैसे ही थोड़ी दे देंगे हम किराए पे उन्हें। बेटा कहाँ जा रही है, आजा बेटा यहाँ बैठ जा। जी पापा जी। बेटा मैं यूं कह रहा था, जो एक कमरा हम किराए पे दे दें तो तेरा क्या विचार है, इस बारे में कोई परेशानी वाली बात तो नहीं बेटा? नहीं पापा जी दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देख लो दिव्या में और आरती में कितना फर्क है, इन्हें तो कैदी गट देसी रख लो पिताजी, दिव्या में संस्कार है, वो संस्कारी लड़की है, उन्हें तो पहले आगे तक का सोचा, इन्हें तो कैदी खट देसी ये रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी सोच में और उसकी में धरती आसमान का फर्क है। कोई बात नहीं बेटी रखेंगे किराएदार कोई सही समय लगा तो। सुन लिया, दिव्या पे तो हमें पूरा विश्वास है, और दिव्या तो हमारी संस्कारी है, और यह जो है ना आरती, ध्यान हमें इसका रखना आरती का। लो मम्मी दूध पी लो, चाय तो मैंने बनाई ना। लो पापा दूध ले आई बेटा। हाँ पापा जी रात मम्मी को थोड़ी तबियत सी खराब हो रही थी, मैंने हल्दी वाला दूध दे दिया इन्हें। ठीक है चलो जी अंदर को चल, काम भी कर लिया कर, पूरा दिन हांडती रह है, देख रहे हो मम्मी तुम इसे पूरे दिन हांडे काम ना करती है ये सारा। खेत पर चले जाओ तुम, निहार ले आओ जाके। ठीक है तो मैं खेत पे जा रहा हूँ, खेत में देख लूँ फसल वसल भी ठीक खड़ी के, निहार भी लेता हूँ। ठीक है। मैं भी देखूँ घेर में को पानी वानी पियाऊँ ढोरों को चल के। भाई ट्रैक्टर वाला जो है खेत तो बो गया, और बहुत सोना खेत बो रखा भाई,
भगवान ने चाहे तो फसल बहुत बढ़िया होगी। अब कहता हूँ चलो बहुत बढ़िया करा भाई, अब मैं भी कुछ काम कर लूं, पुणे ही खोद लूं ये। थक गया भाई, थोड़ा सा आराम ही कर लो। घास भी छोल दी, कूड़े भी खुद गए, अब पता नहीं ये लोंडिया भी ना आई कोई सी, पता नहीं रोटी लाऊंगी नहीं लाऊंगी, भूल तो ना गई कहीं, और भूख भी लग रही है मुझे तो। अरे मम्मी तो सो गई। मम्मी मम्मी आज तुम्हारी तबीयत खराब है, आज तुम मत जाना खेत पे, आज हम दोनों बहन जा रहे हैं पापा की रोटी लेके। ठीक है बेटी, ध्यान से जाइए दोनों बहन। ठीक है मम्मी, आराम करो तुम्हें। ठीक है, गेट बंद करके जाइए, कभी कुत्ते बढ़ जाएंगे हमें। ठीक है मम्मी, चलो। दिखाई नहीं दे रहा तुझे? हम बदतमीज है, तुम्हें ना दिखाई दे रहा, हम साइकिल से आ रहे। भेड़ कैसे दिद्दे ले रहा तू? क्या कह रही है यू? अरे भेड़ किसे कह रही है तू? यू कह रही है। ज्यादा मत बोले तू। गलती मारते ही हुई है। हटा इसको। मारी साइकिल का लात मारी है। कोई ना, लात मारी है, बढ़िया होगी अभी साइकिल। यो साइकिल यहाँ से लेके नहीं जाएगा तू, बता रही तुझे मैं। तुमने टक्कर कैसे मारी? अरे चैन उतर गई इसकी। मैन साहब हटो, हाथ उठा ले। थप्पड़ मारूंगी चौचू से सिकल के। ए वैसी मार देगी थप्पड़, मार के दे 32 साल डाल दूंगा 1 रुपए में। ओए मेरी बहन को कैसे छेड़ रहा है? ए मैं कहां छेड़ रहा हूं, 1 रुपए में 32 साल निकाल दूंगा मुंह का। कम बोले, बता रही तुझे मैं, रोटी लेके जा रही पिताजी की, नहीं तो अभी बता देती तुझे मैं। अजी हमें जान दो तुम, हमें जान दो, हम भी कहीं काम से जा रहे। साइकिल छोड़ के, साइकिल छोड़ दो, साइकिल कैसे छोड़ दो, टक्कर कैसे मारी, दिखा दे साइकिल कैसे छोड़ दे हमें। साइकिल छोड़ दो तुम, ये असल मन नहीं, इसे इस चौचू को सुधार तू, रख टीपन नीचे, मार इसमें दो हफ्ते। ऐसे कैसे मार दो तुम, कह जाओ अजय तुम मुझे तो मार लो, पर भैया को कुछ मत कहियो। क्यों, तेरा भैया कहीं का लाट साहब है क्या? अरे गुस्सा आ जाओ मुझे, जब भैया पर हाथ चला है तो किसी का। क्यों चुप रहे? वैसे एक बात तो बताओ, तुम दोनों बिगड़ैल हो कौन? अजी हम बिगड़ैल ना है, हम तो यहाँ आ रहे हैं। किसके आ रहे हो तुम? हमारे गांव में कोई इतने बदतमीज लड़का नहीं है जितने तुम दोनों। हमारा चाचा होगा या मामा होगा, है हमारे, तुम्हें काहे को बता दे हम किसके आ रहे हैं। हम बाहर रहे हैं। एक बात तो बताओ, पर तुम इतने नालायक हो क्यों? अजी हम नालायक ना है, हम आए हैं या किसी के, तुम्हारी समझ में ही ना आ रही तो हम क्या करें इस बात में। समझ में तो तुम्हारी आएगी, अब तुम्हें पता ना हम किसकी बेटियां हैं। अजी तुम किसी की बेटी हो, उस बात से क्या हमें धार काटनी है। किसकी हो तुम? हम किसी की भी हो, तुझे के लेना। तेर तक कौन पूछ रहा, हम इसका पूछ रहे। चुप रहा, मेरे से बोल मत। अपने आप तक कह रही है हम किसकी बेटी तुम ना जानते, अब नू कह रही है तुम्हें के लेना, हम किसी की बेटी हो, ये है पागल मेंटल। ओ हेलो, अपनी बकवाद बंद करो, चलो मेंटल चल चली जाओ, देख लूंगी बाद में। अरे जींस वाले नाम तो बता दे।
चले भैया ये ना बताने नाम भी। अरे चैन तो चढ़ा ले, चैन चढ़ा ले। अरे चल, अरे चैन चढ़ा पहले। अरे साइकिल वाला आ जाएगा। अरे नहीं आवे तू, चल चैन चढ़ा इसकी पहले। जल्दी से कैसे चढ़ रही है? चढ़ी अरे ना उतर गई। तुम चलो, कितने दिनों बाद आई हूँ खेत में। आई हूँ अब पापा ना मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, रोटियों के लिए तड़की से गए हैं ना। हाँ आज हम भी लेट हो गए, खाना लेट बना। अरे हमारा तो सारा खेत भूग गया। हाँ कितना सोड़ा लग रहा है। हाँ पापा जी कहाँ है? देखो बैठे पापा। पापा। हाँ बेटा आ गए तुम। हाँ पापा ये लो रोटी खा लो तुम। अच्छा बेटा मैं तो देखा बहुत देर से बाट देख रहा था री। कोई नहीं आप रोटी खा लो, खेत का काम तो बड़ी जल्दी निमट गया पापा। बेटा जब से आया मंडी रहा मैं जब तक। अच्छा हाँ चलो हाथ वाथ धोया तुम, रोटी खा लियो। ठीक है तुम बैठो, मैं आ लिया एक मिनट, मैं अभी हाथ धो के आ लिया बेटा। ठीक है पापा। आगे पिताजी आ गए। हाँ आ गए बेटा, हाथ धो के। हाथ धोया मैं। और बताओ जैसे तुम बेटा आए खेत में तो कोई रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई ऐसी बात तो नहीं हुई थारे साथ कुछ? पापा हम रोटी लेके आ रहे थे आपके लिए, हमें रास्ते में दो लफंगे मिल गए और उन्होंने हमारे टक्कर मार दी साइकिल से। टक्कर मार दी? हाँ। बता बेटा चोट तो ना लगी थारे कोई से के? ना पापा चोट तो ना लगी, बस यही है बदतमीजी कर रहे थे रास्ते में हमारे साथ। अच्छा और तुमने फिर उन्हें धमकाया क्यों नहीं? कौन थे वे? पापा मैंने धमकाया, मैंने उन्हें खूब सुनाई, पता ना आपको किसकी बेटी हूँ मैं। हाँ नहीं नो तो बेटा मुझे पूरा भरोसा था हर पे दोनों पे। ठीक है बेटा चलो ठीक है। खाना खा लो। ठीक है बेटा मैं खाना खा लूंगा। ठीक है बेटा। ठीक है पापा हम चल रहे हैं। ठीक है बेटा और देखिए अपना ध्यान रखो बेटा। हाँ ठीक है पापा। ठीक है गन्ने लेके चले। तेरे थप्पड़ मारूंगी, गन्ने लेके चले। चल घर को। जी कर रहा है खाने को। चल घर को चलो ना। घर ना ठीक है, मैं अपना थोड़ा सा और काम रह रहा, यो काम होने निपटा लूं फिर मैं भी घर चलूंगा। अपना काम निपटा के फिर रोटी भी खा लूंगा और फिर घर चलूंगा। माँ भी वाट देख रही होगी। मम्मी हाँ तुम्हारे तो तबियत ठीक ना थी, तुम तो आराम कर रही थी। अरे बेटी मैं तनसे खिचड़ी सी बनाऊं अपने नियो। अच्छा। जी ना कर रहा कुछ खाने को। रोटी बना के गई थी मैं थारे लिए। हाँ ना कर रहा जी रोटी खाने को, आलू गेर कर खिचड़ी बनाऊंगी थोड़ी सी। अच्छा मम्मी तुम्हें पता आज क्या हो गया हमारे साथ रास्ते में? क्या हो गया? मम्मी दो लड़के मिल गया हमें फिर, और वो इस गाँव के भी ना, और उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी करी। ईट ना मारे कम खतों के माथे में। मैंने तो खूब बजाया और आरती ने भी खूब बजाया हमें। चिपटम चिपटा होगी। हाँ हे भगवान। और तेरे पिताजी कहाँ है? पिताजी तो खेत में ही है, उन्हें हमने रोटी दे दी वहीं बता दी थी ये बात। बता दीदी को चोट भी लगी। कितनी लगी दिखा? ना ज्यादा ना मम्मी, तुम परेशान मत हो तो। तुम अकेले मत जा करो खेत वेत पे, मैं जा करूँ रोटी वोटी लेकर। कोई बात ना, बात होगी वहीं खत्म कर दी मैंने। अब तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बना के लाऊं। ठीक है दी चल तू भी अंदर को। बता कम्मा खत कौन छेड़ रहे छोरी इनको है, और चिपटम चिपटा भी होगी, अपनी भेजो ना अकेले इनको। हाँ तो मेरी हिम्मत वाली है छोरी है, पहले जैसी चीज नहीं आती अब पता ना, सुक्का सा हो रहा से। ला तू भी तो खा, तू बीमार है। खा रही हूँ खा लो। तबीयत खराब है, कमजोरी सी भी आ रही, फल खाओगे तो ठीक रहेगा। फाक ले ली, अरे ले फाक जब कह रहे, तू भी तो खा। खा रही हूँ मैं तो। वैसे तो सेव मीठा। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। राम राम। पहचानने की बात है? बात के उत्ती हमें उन्होंने हरिप्रकाश ने भेजा, वो कमरा कह रहे तुम किराए पे देने को। अच्छा हाँ हरिप्रकाश को कहा तो था भाई मन्ने।
शादी सुधा भैया? हाँ जी शादी सुधा। वैसे तो बीवी बच्चे गैल रहेंगे ना? बीवी बच्चे न रहे, अभी तो हम दोनों ही रहेंगे। ओए, तू यहाँ कैसे? हम कैसे अपने पैरों से आए हैं यहाँ? अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे घर तक आ गए। पापा ये दोनों बॉय लफंडर हैं, जो दिन हमें खेत में मिले थे हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे। अच्छिया, थारा जहन में देखा चक्कू और फाड़ दूंगी सोच को। फिर लोंडिया ने छेड़ो, तुम लोंडिया ने छेड़ो है? अरे कमरा बूझना है और जैसा आए होंगे तुम यहाँ, अब लोंडिया को छेड़ने को मौका मिल जाएगा। अजी मारता गलती होगी, हम तो पीछे को देख के साइकिल को धक्का मार रहे हैं। इसे देख तू गेंडे से को कैसा लखा रहा मेरी तरफ को। इस गेंडे से के तो जहन में चक्कू देखा घुमा दूंगी गेंडे से के। तमें मेरा जहन दिखे के और के दिख रहा। अरे हमसे गलती होगी, हमने जान बूझ के टक्कर न मारी, वो तो स्पीड में हम भगे ला रहे साइकिल को। पत्थर की फूट रही, कितना बोल रहा है? देख रहा मैं, बदमाशी कर रहे तुम यहाँ, बदमाशी कर रहे। काओ बदमाशी ना कर रहे हम, हमें हरिप्रकाश ने भेजा कमरा किराए पे लेने के लिए। आगे की बात बता। चल चल फूट ले इससे, अरे जैसे लपंगड़ को ना आया कमरा उमरा लिखड़ा। अजी मारता गलती होगी, हम बता दो। जाओ गलती होगी, चले जाओ यहां से। हां कदी तो बेइज्जती कर रही आ काट तू आ, तो चले जाओ यहां से। जाओ कदी तुम कमरा दिखाऊं यहां। जा रहे नहीं आ रहे हो लिखड़ा। ए तू डंडा ला मोटा सा ठा के देख, अभी उधेड़ हुई मेरा डंडा। हां भैया यहां ना निकल कर आ, निकल 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 यहां से। इधर पीटे बाजी ना रे, घर तक आगे पीछा करते करते इतनी हिम्मत इनकी। मैं कह रही हूँ दिव्या के पिताजी, हमारी छोरी ना है, ये छोरे हैं, देख कैसे भगाए मुस्टंडे ये। नानू तो ठीक कह रही। हाँ मेरे दोनों लौंडिया सही कर दिया हमने उनका काम। हाँ अब ना आने, ठीक मारा वो तो मेरी दोनों लौंडिया हिम्मत। हाँ ऐसी बात नहीं है, मुझे भरोसा है इन पर दोनों पे। हमें नहीं देना कमरे किराए पे। अरे माँ मुझे भी दे दे सेव। ला